तो सर शायद 10-11 वर्ष की उम्र में ही मेरे ऊपर अपना जादू कर चुके और गिल्ली डंडा खेलते खेलते मैं उन दिनों के मशहूर गायक और वादक मनोहर बर्वे के पास जाता था और एक साल तक उनके साथ सारा हिंदुस्तान घूमता रहा और संगीत का अभ्यास करता रहा। तब तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे गायक बनना है या संगीतकार, लेकिन मैं स्वरों के पीछे पागल जरूर था। उन दिनों सहगल साहब का एक भजन जो उन्होंने पूरन भगत फिल्म में पहली ही बार गाया था मेरा दिल ले गया। इस भजन से मैं इतना प्रभावित हुआ मैं अपना घर छोड़कर संगीत सीखने के लिए लखनऊ चला गया और वहाँ मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक में प्रिंसिपल जतिन जंकर की देख रेख में शिक्षा हासिल करने लगा। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की, तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों को पूरे। मस्तक म्यूजिक की डिग्री हासिल करने के बाद भी मेरी प्यास न बुझी और मैं उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के पास नजर पहुंच गया। बड़े दिलचस्प प्रश्न हुई वहाँ, बात यू हुई कि उनके पास सीखते हुए मुझे एक महीना हो गया तो एक दिन अचानक उन्होंने बुलाकर पूछा कि भाई मेरे सिखाने के अलावा कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो। मैंने जवाब दिया 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। वो बरसे तो पड़े और फरमाया कि पूरे 8 घंटे रियाज कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो कल से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और रफू चक्कर हो जाओ। मुझे चक्कर ही तो आ गया, मेरा रोना ही नहीं। खान साहब मेरे रोने को कुछ पिघले, बोले कि भाई रोने से काम नहीं चलेगा, तुम मेरे सामने बैठोगे आज से और मैं रियाज करूंगा, तुम्हारे कामों में कुछ स्वर पड़ जाए बस मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। उस दिन के बाद वो रोज रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मेरे सामने बैठकर रियाज करते, 1 साल तक स्रोत पर मुझे अमन राग सुनाते रहे। अच्छा तो मुझे भी अमन राग से बहुत लगाव हो गया। मगर है मन में छवि तुम्हारी कि जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। आज जहाँ बैठकर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ यही 10 वर्ष तक मैं काम कर चुका हूँ। तब मेरे सामने बड़े जोरों से उठा था जब मैं रेडियो शो तक फिल्मों में आया था और पिता शर्मा जी ने अपनी पहली फिल्म नेकी बदी के संगीत निर्देशन का भार मुझे सौंपा था। मेरा संगीत उस फिल्म में बिल्कुल नाकामयाब रहा। तब मैंने रेडियो और फिल्म के म्यूजिक का फर्क पहचानने की कोशिश की, पता चला कि रेडियो के गीत केवल कानों को सुनने तक ही सीमित रहते हैं जबकि फिल्म में इसको आप चित्र रूप में भी देखते हैं। फिल्म में सीन, कहानी की सिचुएशन, मूड वगैरह बहुत सी बातों का ख्याल रखकर धुन बनानी पड़ती है जबकि रेडियो में ऐसा नहीं है। बाबरे मोहन के गीतों की मशहूरी शायद मेरी इसी सूझ बूझ का नतीजा थी। अपना बहलाया नहीं करते जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते दिलों को रोंद कर। आपको रोशन के बारे में कुछ बताता हूँ जिसने बहुत नाम पैदा किया और जिसको हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक में एक बड़ा अजीम दर्जा मिला। उस जमाने में तनख्वाह सिस्टम होता था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अभी नहीं शुरू हुआ था। भाटकर को मैं हमेशा से, वो मेरा परमानेंट म्यूजिक डायरेक्टर रहा है, तो मैंने भाटकर से कहा कि मैं 2 म्यूजिक डायरेक्टर तो अफोर्ड नहीं कर सकता यार, तुम थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लो, इनको बहुत ज़रूरत है, ये आए हैं दिल्ली से, तो ज़रा इनको ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं।
तो भाटकर ने कहा जी हाँ मुझे कोई इतराज नहीं। वो पहली जिस पिक्चर के लिए उन्होंने म्यूजिक दिया वो थी नेकी बधी, और वो उनका म्यूजिक टोटल फ्लॉप निकला। नेक्स्ट पिक्चर में भावरे आनंद बना रहा हूँ उसमें फिर तुम्हारा म्यूजिक, और इस तरह से ये रोशन आए। और फिर तो जाहिर है कि उन्होंने कितना अच्छा म्यूजिक दिया। भंवर का सर न चकराए न दिल लहरों का डूबे, ले कश्ती आप कर दी मैं तूफान के हवाले, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले, मैं सजदे में गिरा हूँ मालिक उठा ले। दूसरी बात रोशन सामने से वो ली गई कि एक गाना पहली बार एक ऐसा ड्यूट बना था जिसमें सवाल जवाब थे, मुझे सच सच बता दो कि कब दिल में समाए थे, वो पहली बार मुझको देख के जब मुस्कुराए थे। अब ये गाना देखिए आपको पता चलेगा कि गाने का गाने है और डायलॉग के डायलॉग है और बहुत अच्छा है। तुम्हें किसने सजा दी क्या, तुम्हें किसने सजा दी क्या, कि रातों को गिनो तारे, कि रातों को गिनो तारे। वो जालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे, वो जालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे। सुन बैरी बनम सच बोल क्या होगा। ये रोशन साहब जब ये म्यूजिक लेने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मुझे हरियाणवी म्यूजिक जो है, लीनी भेड़ पढ़न की ओट रे मैं तो थारे पास खड़ी, ये मुझे बहुत इम्प्रेस कर गया। तो आप इसको चोरी नहीं कीजिए, आप इसको थोड़ा बदल लीजिए और ये बना दीजिए गाना सुन बैरी बनम सच बोल रे भी क्या होगा। और उन्होंने वो किया, और वो इब जो था वो राजकुमार भी बहुत खुश हुई उसको सुन के, और वो लिया गया और वो बहुत कामयाब हुआ। हर आर्टिस्ट को हर कलाकार को वो अपना कर्तव्य अपना काम अदा करने की, और जो करेक्टर हो जैसा हो चंचल हो सैड हो कैसा भी हो वैसा एक्सप्रेशन देने के लिए आवाज़ में कहते थे, और वैसे ही होता था क्योंकि कलाकार भी समझता था कि इनको हर बात का ध्यान है हर बात की ज्ञान है। वो बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी याद अभी भी बहुत आती है मुझे। उनका एक गाना बॉरन एंड का सुन बैरी बलम सच बोल रे इब क्या होगा, और लोग इस गाने से मुझे याद करते हैं। मेरे हर रिहर्सल में हर टेक में वो मेरे साथ में घूमता रहा। और एक रोज़ मैं बैठ के रिहर्सल कर रहा था उस गाने का, कहाँ तक हम उठाए गम, और जब बीच में मैंने रुक गया थोड़ा सा तो कुछ सिसकने की आवाज़ आई पीछे, जैसे कोई सिसकियाँ ले रहे। मैंने यूँ करके देखा तो देखा कि रोशन, मैंने क्या हुआ, धप करके वो हम मेरे गोद में सटक के इतना फूट फूट के रोने लगा। मैंने तो भाई हुआ क्या है, तो कहने लगा कि मैं अभी वापस जाता हूँ, मुझसे ऐसा म्यूजिक बनेगा नहीं।
और रोता रहा, तो मैंने उसका पीठ थपथपाया और जब उठा नहीं तब जोर से थप्पड़ जैसे मारा, तब उठा। मैंने कहा तुम इस हिम्मत को लेके आए बॉम्बे में म्यूजिक डायरेक्शन करने के लिए, ये तो कुछ भी नहीं। आज मैं ऐलान करता हूँ कि एक रोज़ ऐसा आएगा और बहुत जल्द आएगा, ऐसा आएगा कि तुम मुझसे बेहतर म्यूजिक करोगे और मुझे फख्र होगा कि रोशन का और मेरा जो संबंध है वो ठीक था। मेरे उनसे बड़े घनिष्ठ रिलेशन रहे हैं, बहुत दफा संग की बातें होती थी। पूरी तरह से मैं सहमत हूँ इस बात से, हो गया था कि रोशन को जो अवेयरनेस एक पूर्ण संगीतकार को होनी चाहिए थी वो थी। उनके गाने जैसे मन रे तू काहे ना धीर धरे, किसने बांधा रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न दे। रोशन साहब से मेरी पहचान 60s में हुई और
क्योंकि मुझे बहुत शौक म्यूजिक का रहा, तो उस नाते दोस्ती हुई। दिल्ली आते थे तो ज़रूर मेरे पास घंटों बैठते थे घर पर, सिनेमा पर, और मैं बंबई जाता था तो ज़रूर उनसे मिलता था। लिंकिंग रोड पे वो रहते थे और घंटों हम उनके साथ बैठते थे, गाने सुनते थे, उनके कंपोजिशन सुनते थे। एक बात, बड़े गॉड फेयरिंग टाइप के इंसान थे वो, और बहुत गुणी, बहुत उनको म्यूज़िक की समझ थी। और मुझे याद है वो कहा करते थे कि इतना कंपटीशन है फिल्म इंडस्ट्री में और म्यूज़िक की फील्ड में ख़ास तौर से, कि अगर मुझे किसी एक पीढ़ी पर पहुंचाया है तो मैं यही प्रे करता हूं कि उसी पीढ़ी पर रहूं, उससे गिराए ना चाहे मैं, उससे ऊपर ना जाऊं। एक दफ़ा याद है दिल ही तो है हमारे यहाँ पिक्चर रिलीज हुई, आए हुए थे दिल्ली, तो 12 बजे की शो थी, इत्तेफाक से दिल्ली थे वो और सिनेमा पर आए उस दिन, दिल्ली तो है की रिलीज थी, तो कह लगे चलो ऑडियंस का रिएक्शन देखते हैं। हाउस फुल था, मैं और वो बैल्कनी में जाके खड़े हो गए। तो जब गाने आए तो दाद के काबिल थे, मैंने अच्छी अच्छी जगह पे गानों के दाद दे दी, कुछ राग पहचान लिए, वो बता दिए उनको, तो बहुत एक्साइट हो गए, कह लगे बस चलो नीचे चलते। नीचे आए, पानी का ग्लास मंगाया और दो गोलियां खाई, और मुझे कह लगे कि कोई ख़ास तरह की उनको दिल की बीमारी थी, तो वो कह लगे कि मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट मना है। देखो कितनी आयरनी है कि मैं म्यूज़िक फील्ड में हूँ, एक क्रिएटिव फील्ड में हूँ, और एक्साइटमेंट मुझे मना की हुई है, मगर ज़्यादा एक्साइट हो तो इट कैन बी सुसाइडल फॉर मी, इसलिए मैं नीचे आ गया हूँ, क्योंकि तुमने ठीक जगह पे दाद दे दी और ज़्यादा मैं एक्साइट हो गया। तो संगीत ऐसा था जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो उससे जब भी कुछ टपकता था मधु ही टपकता था, मधु ही टपकता था। मेरे लिए तो कम से कम वो दिलो दिमाग भर जाते थे उसके म्यूजिक सुन के। Thank you.
कोरोना की सिचुएशन को ध्यान में रखकर हम अपनी कल्पना के जरिए अपने आप को उन्हीं हालात में रख लेते हैं जिनमें हमारी कहानी का पात्र होता है। उसी पात्र के भावों को हम संगीत में ढालने की कोशिश करते हैं और ऊपर भला हमारी मदद करता है। हम वही धुन दूसरों के सामने रखते हैं और उनकी राय भी लेते हैं। उसके पहले हम आपस में फैसला करते हैं। मेरा मतलब है, मैं तो पहले अपने बेटे राजू को सुनाता हूँ तो वो कभी कभी कहता है, पापा धुन तो बड़ी अच्छी है लेकिन उसमें कोंगा और बोंगा तो बजवाओगे। और मेरा जवाब देने से पहले ही राजू की माँ फरमाती है कि जो कुछ भी आप बजवाएं लेकिन भगवान के लिए ऐसे मुलायम गाने में लव कुसुम की धुन मत करती है। तो उनकी जो बात मुझे बचती है वो तो जरूर मान लेते क्योंकि वो भी तो एक दर्शक का श्रोता है। गीत में सही साजों का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। आप ये गीत सुनिए और अंदाजा लगाइए कि इस खूबसूरत धुन में अगर लव कुसुम की धुन होती तो क्या होता। और बुढ़ापा बहुत थोड़े समय में दिखाना था। धुन ही पहले बनाई गई थी क्योंकि संगीत के जरिए से इस सिचुएशन की बात ज्यादा अच्छी बन सकती थी। वैसे जहाँ शब्दों का महत्व ज्यादा होता है वहाँ शब्द पहले लिखवाए जाते हैं। आजकल लोग टेक्निक के पीछे ज्यादा हैं, यानी दिल से ज्यादा दिमाग से काम देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो दिल से निकली हुई बात ही पुरसर होती है और बहुत दिनों तक दिमाग पर छाई रहती है। अब मैं आपको एक ऐसा गीत सुनाता हूँ जिसमें दिल की गहराइयों में उतर जाने की खासियत है। Thank you.
बड़े बड़े डायरेक्टर थे, म्यूजिक्टर शंकर जैक्सन थे, एस डी बर्मन थे, मदन मोहन थे, बड़े बड़े डायरेक्टर थे, म्यूजिक्टर शंकर जैक्सन थे, एस डी बर्मन थे, मदन मोहन थे, बड़े बड़े डायरेक्टर थे, म्यूजिक्टर शंकर जैक्सन थे, एस डी बर्मन थे, मदन मोहन थे। लेकिन जहाँ पर कविता की बात आती, शेर व शायरी की बात आती थी, वहाँ पर रोशन से बढ़िया कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर वहाँ नहीं था। क्योंकि जितने अधिक कवितामय गीत या साहित्यिक गीत रोशन ने बनाए, वैसा कोई आज तक बना नहीं पाया। फिर मेरा रोशन से पहली बार सिटिंग हुआ बम्बई में, बम्बई में सिटिंग हुआ तो उन्होंने कहा, भाई ये नीरज जी तो लंबा गीत है, कार वहाँ गुजर गया, अखबार देखते सबन झरे फूल से, मीत चुभे सूर से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कार वहाँ गुजर गया अखबार देखते रहे। बोले पांच लाइन का मुखड़ा आज तक तो फिल्म में कोई है नहीं, एक लाइन का हो, दो लाइन का हो, तो पांच लाइन का मुखड़ा कैसे बनेगा, आप इसको कैसे पढ़ते हो कभी सम्मेलन, वो बता दो। तो मैंने जिस तरह पढ़ता था कभी सम्मेलन, वही उन्होंने ट्यून ऐसी ली, थोड़ा उसका स्वर परिवर्तन, कविता पढ़ने का स्टाइल दूसरा होता है, फिल्म के गीत का स्टाइल दूसरा होता है, मेरे दिन एकदम का सब हिसाब टाइमिंग वगैरह निश्चित किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने स्वर में परिवर्तन किया, जैसा मैं पढ़ता था उसी प्रकार से उस गीत को रिकॉर्ड किया। रात की रात कवालियाँ जो बनी है उसमें उन्होंने कवाली बनाई 15-15 मिनट की, तब हमने उनसे कहा कि 3 मिनट के गाने कोई नहीं सुनते, तो आप 15 मिनट का कवाली कैसे बना लिया आपने, कौन सुनेगा आपको, किसके टाइम में है, किसके पास इतना टाइम है सुनने के लिए। तो बोलने लगे कि थोड़ी देर रुके, तो फिर बोलने लगे कि देखना एक दिन ऐसा होगा चिराग लेके मुझे ढूंढेंगे कि रोशन कहाँ है ये कवालियाँ सुन के। जहाँ तक उनकी ट्यून्स के बारे में मुझे कहना है, तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे उनकी ट्यून्स इतने कुछ खास अच्छे नहीं लगते थे। उस समय मुझे जैसे शंकर जयकिशन है या एस डी बर्मन है, इन लोगों की ट्यून्स मुझे बहुत इंप्रेस करती थी। तो मैं उनको हमेशा कहता था कि पापा अभी कुछ भोंगो यूज़ करो, कुछ वेस्टर्नाइज करो, तो वो मुझे बहुत गौर से सुनते थे। और जैसे अभी ज़माना बीतते गया और मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि आज जब मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो मैं सिर्फ उनका ही म्यूज़िक सुनता हूँ। ये है कि और म्यूज़िक मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से बनाया गया है, सुनने में अच्छा है, पर उनका संगीत आज सुन के मुझे थोड़ा सा कुछ सुकून जैसे हासिल होता है। तो ऐसा लगता है कि ये संगीत थोड़ी है, ये तो एक दवा है, एक मरहम है जो कि हम अपने आप पर लगा सकते हैं और आराम पा सकते हैं।